Subscribe to the channel and turn on the notification bell so you never miss an update. Hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि e-weebill कैसे generate करते हैं। e-weebill generate करने के लिए e-weebill.nic.in पे सर्च करेंगे और लाइट आएगी उस पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद नया पेज हमें खुलेगा सर्च ऑप्शन में, तो उसके फर्स्ट जो आइकन आएगा उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो साइट खुल जाएगी e-weebill की, e-weebill सिस्टम की, जिसमें आइकन्स आएंगे होम, लॉ, हेल्प, सर्च, कॉन्टैक्ट एंड रजिस्ट्रेशन के। इसमें हम हेल्प के ऑप्शन में सर्च के ऑप्शन मिल जाएंगे, तो उसमें हमें बहुत सारे अदर्स ऑप्शन भी मिलेंगे। हम रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिलहाल को हम लोग लॉग इन करेंगे। लॉग इन पर क्लिक करते ही हमारे सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। उस ओपन में हम अपना जो हमारा यूज़र नेम हमने पहले बनाया था वो हम यूज़र नेम इसके अंदर एंटर करेंगे। यूज़र नेम एंटर करने के बाद पासवर्ड जो हमने रखा था वो पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद एक इमेज हमारे सामने शो होगी, उस इमेज को हम कैप्चर करेंगे। उस इमेज को कैप्चर करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे हम। लॉगिन पर क्लिक करते ही हमारे सामने e-weebill की साइट खुल जाएगी। इसके अंदर हमें आइकन्स मिलेगी e-weebill के ऑप्शन, इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो जेनरेट न्यू, जेनरेट बुल्क, अपडेट पार्ट बी, अपडेट पार्ट बुल्क और इसके अलावा अदर्स ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे। सेकंड पे कंसोलिडेटेड e-weebill पे जेनरेट न्यू, जेनरेट बुल्क, री जेनरेट, प्रिंट कंसोलिडेटेड e-weebill पे, इस पर भी आ जाएंगे। सारी रिपोर्ट रिजेक्ट के ऑप्शन भी साथ में, एक रिपोर्ट का भी, माय e-weebill रिपोर्ट्स, इसके अंदर हम जितने भी आउटवर्ड सप्लाई करें e-weebill हमें जनरेट किए सब मिल जाएंगे। प्लस कैंसिल भी हम जितने किए हमने e-weebill वो भी हमें मिल जाएंगे। अब हम e-weebill के ऑप्शन पे जाएंगे और जनरेट न्यू पे क्लिक करेंगे। जनरेट न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज पे हम देखेंगे कि ट्रांजेक्शन टाइप में आउटवर्ड इनवर्ड होगा और सब टाइप में सप्लायर, जॉब वर्क, सर्विस, फॉर ओन डालेंगे। इसके बाद हम बिल किसे देना है, नहीं हमारा सप्लायर बिल किसे करना है, उसका GSTN नंबर डालेंगे, उसका नेम नहीं डालेंगे, याद रखिए हम उसका GSTN नंबर डालेंगे। GSTN नंबर लेते ही ऑटोमेटिकली सब डिटेल खुद ब खुद ही बन जाएगा। अब हम आते हैं मेन चीज पे, प्रोडक्ट नेम, जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उसका हम जो नाम जो है वो हम यहाँ एंटर करेंगे। प्लस डिस्क्रिप्शन में वो क्या है वो भरेंगे और ये कंपल्सरी है HSN कोड डाल लेंगे। क्वांटिटी कितनी जा रही है, 200, 500 जितनी भी जा रही है। और यूनिट में हम जब क्लिक करेंगे तो जो इसके अंदर मैंशन हो रही है BOX फॉर बॉक्स, इनके अलावा हम कुछ और नहीं डाल सकते, आपको इन्हीं में से चूज करना पड़ेगा। प्लस हम टैक्सेबल अमाउंट डालेंगे जिस पे टैक्स लग रहा है, फिर CGST अमाउंट डालेगा है तो SGST अमाउंट है तो IGST अमाउंट है और सेस, ये सेकेंड वाइज जो है ये ऑटोमेटिकली ले लीजिए, आपको उसे भरने की ज़रूरत नहीं। SGST अमाउंट, IGST और CGST टोटल टैक्स ही खुद ही ले लेगा। ट्रांसपोर्टर नेम, जिसके जरिए हम भेज रहे हैं और यहाँ पे कितनी किलोमीटर दूर है जहाँ पर माल भेजे, बाय रोड, बाय रेल, व्हीकल नंबर, उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा e-weebill जनरेट होके, जिसमें e-weebill नंबर मेंशन होगा। e-weebill कब जारी करना पड़ेगा, GST के अंतर्गत 50,000 रुपये से अधिक माल भेजने यह प्राप्त करने पर e-weebill जारी करना अनिवार्य है। 50,000 से कम के माल पर e-weebill जारी करना आवश्यक नहीं है, लेकिन सप्लायर या रिसीवर अपनी इच्छा अनुसार जारी कर सकता है। e-weebill किस समय और कैसे जारी करना है, e-weebill को माल के मूवमेंट शुरू होने से पहले यानी कि वस्तु का ट्रांसपोर्टेशन शुरू होने से पहले GST कॉमन पोर्टल GST.gov.in पर ऑनलाइन जारी करना पड़ेगा।
ईवेबल जीएसटी कॉमन पोर्टल पर जीएसटीआईएन वन फॉर्म में जारी होगा। ईवेबल के जारी होने पर एक यूनिक ईवेबल नंबर ईबीएन प्राप्त होगा, जिसकी जानकारी माल के सप्लायर, ट्रांसपोर्टर एंड रिसिपिएंट को जीएसटी कॉमन पोर्टल gst.gov.in पर प्राप्त पता चल जाएगी। सरकार एसएमएस द्वारा ईवेबल जारी करने की भी सुविधा देगी। ईवेबल कौन जारी करेगा? अगर माल को रजिस्टर्ड सप्लायर या रिसीवर अपने व्हीकल में भेज रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, तो उन्हें जीएसटी कॉमन पोर्टल पर जाकर माल को रवाना करने से पहले ईवेबल जारी करना पड़ेगा। अगर माल ट्रांसपोर्टर के माध्यम से भेजा जा रहा है, तो माल को ट्रांसपोर्टर को सौंपने से पहले सप्लायर या रिसीवर ईवेबल जारी कर सकता है। अगर सप्लायर या रिसीवर ने ईवेबल जारी नहीं किया है और माल ट्रांसपोर्टर को सौंप दिया है, तो फिर ई बिल ट्रांसपोर्टर के द्वारा जारी किया जाएगा और कुछ जानकारी सप्लायर या रिसीवर के द्वारा भरी जाएगी। आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें प्लीज़ जरूर बता।